अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, सरफराज अहमद गुज़स्ता 33 वनडे मैचों में कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। दोस्तों, कौमी टीम के कप्तान ने 33 मैचों में 27.38 की एवरेज से सिर्फ 657 रन बनाए। दोस्तों, जिनमें एक सेंचुरी भी शामिल नहीं। दोस्तों, गुज़स्ता 7 वनडे मैचेस में भी कारकर्दगी मायूस कुन रही। दोस्तों, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाहने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सरफराज अहमद गुज़स्ता 33 वनडे मैचों में कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। दोस्तों, कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद के गुज़स्ता 33 वनडे मैचों के अदादोशुमार सामने आ गए। दोस्तों, जिनके मुताबिक सरफराज अहमद ने 33 मैचों में 27.38 की एवरेज से सिर्फ 657 रन बनाए। दोस्तों, जबकि इनका स्ट्राइक रेट 86.33 रहा। दोस्तों, वो इन मैचेस में एक भी सेंचुरी ना बना सके। दोस्तों, सिर्फ 4 निफ सेंचुरियां स्कोर की। दोस्तों, कौमी टीम के कप्तान की गुज़स्ता 7 वनडे इनिंग में भी कारकर्दगी मायूस कुन रही। दोस्तों, इन्होंने 7 वनडे इनिंग में 67 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 70 रन बनाए। दोस्तों, वह इनके मैचों में कोई भी निफ सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे। दोस्तों, आज भी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले गए तीसरे वनडे मैच में वो सिर्फ 23 रन बना सके। दोस्तों, और कमार की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों, क्या सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होना चाहिए या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।